गुड मॉर्निंग बच्चों मैं मुकेश सर आज आप लोग के लिए इंग्लिश का वीडियो बनाने जा रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे बार बार इसे रिवीजन करेंगे एनिमल्स रिटेन बाय वार्ड वेटमैन व्हाई डिड नॉट द एनिमल्स वाइन एंड वी मेंशन थ्री थिंग्स एंड ह्यूमन टू एंड एनिमल्स डोंट तीन चीज़ें बताएं जो मनुष्य करते हैं और जानवर नहीं करते हैं द पोएट हैज ड्रॉन थ्री कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स दे आर एज फॉलो मनुष्य कवि ने मनुष्य और जानवरों के बीच इस प्रकार अंतर किया है फर्स्ट ह्यूमन स्वीट एंड वर्क हार्ड टू लिव कंफर्टेबल फॉर दिस दे ऑलवेज कंपेरिज कंपेरिजन विथ सर्कम स्टांसेस गुड और बैड कट बैड बट एनिमल्स हैव नो सच डिज़ायर दे आर हैप्पी विथ देयर लाइफ मनुष्य आराम से जीने के लिए पसीना बहाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए वे हमेशा अच्छी या बुरी परिस्थिति समझौता करते हैं लेकिन जानवरों को ऐसी कोई इच्छा नहीं होती वे अपने जीवन से खुश होते हैं ह्यूमन्स ऑलवेज सल्क फॉर their मिस डीड्स दे हैव डन टू अदर बट एनिमल्स डू नॉट सल्क टिलनी थिंग देयर फॉर दे स्लीप प्यूसफुली मनुष्य समस्या दूसरों के साथ किए गए अपने बुरे कर्मों के लिए नाराज होते हैं लेकिन जानवर जीवन भर किसी भी चीज के लिए नाराज नहीं होते इसलिए वे चैन की नींद सोते हैं ह्यूमंस ऑलवेज कंप्लेन्स टू गॉड फॉर देयर कंडीशन इन लाइफ हाउ एवर एनिमल्स डू नॉट हैव एनी गुड and they live and survive without एनी prayers और fasts मनुष्य हमेशा अपने जीवन की परिस्थिति के लिए ईश्वर से शिकायत करता है हालांकि जानवरों का कोई भगवान नहीं होता और वे बिना किसी प्रार्थना या उपवास के जीवन जीवित रहते हैं वॉट डज द पोएट मीन बाई नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल फॉर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ सारी पृथ्वी पर कोई भी सम्मानित या दुखी नहीं है से कवि का तात्पर्य है द पोएट मीन्स दैट एनिमल्स डू नॉट प्रे टू गॉड टू एक्सटियर्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल हैंस नो वन इज ए मोर रिस्पेक्टेबल देन द अदर कवि का तात्पर्य है कि जानवर ईश्वर या पूर्वजों से प्रार्थना नहीं करते और वे भी सम्मान है इसलिए कोई भी दूसरे से अधिक सम्मानीय नहीं है दाइन शोज दैट द गॉड वैल्यूएबल वैल्यूज ऑफ एनिमल्स एंड द लैक ऑफ सोशल कन्वेंशन मेक देम हैप्पी। उपरोक्त पंक्ति से पता चलता है कि जानवरों के अच्छे मूल्य और सामाजिक परंपराओं की कमी उन्हें खुश रखती है एम सी क्यू एम सी क्यू क्वेश्चन व्हाट मेन वाट मान्य डू ह्यूमन बींग सफर फ्रॉम मान्य ऑफ लव मान्य ऑफ लस्ट मान्य ऑफ पॉइजनस थिंग्स none of the above see manu poisonous thing <coughs> what does the poet wish to live with dragons animals dinosaurs none of the above animals what is the attitude of the animal toward their seems confused and peaceful claim peaceful and self confident confused and sad none of the above hmm. claim peaceful and self confident what qualities have the humans give up? Innocence, kindness, truthful, all of the above. Innocence. What is the meaning of wine? A beverage cry shout, none. Cry. What is the meaning of pleased? useful greedy class jealousy useful how who according to the poet is better human beings both are equal animals none both are equal name the poet Walt Whitman Leslie Norris Caroline Wells and dream rich, world Whitman, who looks at the animals for a long time, zookeeper, the poet, hunter, all of the above. Hunter, animals do not talk about their duty towards family, society, God, human beings, society. Name the literary device used in the bring me tokens of myself and fare metaphor as, as soon as alliteration. As soon as. The places where animals receive protection is called Jew, Rock Shelter, National Park, none of these Jew. What do humans do that animal do not? Greed, restless, jealous, all of the above. 13 Gatti, all of the above.

लुसियो रोड्रिग गिव ए पेंट पोर्ट्रेट ऑफ बेकर इन गोवा गोस में एक बेकर का कलम चित्र दीजिए ए बेकर हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द विलेज लाइफ ऑफ गोवा गोवा के ग्रामीण जीवन में बेकर का महत्वपूर्ण स्थान था मैरिज गिफ्ट्स वेयर मीनिंग लेस विथाउट बुल और स्वीट ब्रेड बुल या मीठी रोटी के बिना विवाह उपहार निरर्थक थे केक्स एंड बुलिनेस एरिया ए मस्ट इन क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स क्रिसमस और त्योहार में केक और बुलियन जरूरी है इन द ओल्ड डेज़ द बेकर यूज वेयर ए पीकुलर ड्रेस कवाए ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज पुराने दिनों में बेकर्स एक अजीब पोशाक कब्बल पहनते थे घुटनों तक पहुंचने वाला एक टुकड़ा लंबा फ्रॉक दे यूज टू बी precious प्रोस्पीरियस देयर फैमिली एंड सर्वेंट्स नेवर स्टार्टेड देयर plumps वॉज ए a testimony ऑफ देयर prosperity एंड गुड इनकम वे समृद्ध हुआ करते थे उनका परिवार और नौकर कभी भूखे नहीं मरते थे उनका मोटा शरीर उनकी समृद्धि और अच्छी आय का पहचान था द बेकर यूज टू बी ए गुड फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड फॉर द ऑथर ही कुड कम ट्वाइस ए डे एंड देन द चिल्ड्रेन ऑफ द हाउस वुड क्राउड अराउंड हिज बास्केट टू चूज द ब्रेड बेंगल वेन इवेंट टूडे बेकिंग एंड बेकरस आर फेमस इन गोवा दे स्टिल यूज ट्रेडिशनल फ्रेंसिस टू बेक ब्रेड एंड केक्स बेकर्स आर नॉन एज पैडर्स इन गोवा बेकर लेखक के अच्छे चित्र अच्छे मित्र साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे वे दिन में दो बार आता था और फिर घर के बच्चे रोटी की चूड़ियाँ चुनने के लिए उसकी टोकरी के चारों ओर भीड़ लगा देते थे आज भी गोवा में बेकिंग और बेकर्स प्रसिद्ध हैं वे ब्रेड और केक बनाने के लिए भी अभी भी पारंपरिक पारंपरिक भट्टियों का उपयोग करते हैं इन बेकर्स को गोवा में ब्रेड पैडर्स के नाम से जाना जाता है ब्रेड एंड केक्स वेयर एसेंशियल ऑफ गोवा इन लाइफ इन ओल्ड ओल्ड एंड डेज डिस्क्राइब मेमोरीज डेट द ऑथर रिकोलेक्ट्स अबाउट गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड देयर लवस ऑफ ब्रेड पुराने दिनों में ब्रेड ब्रेड और केक गोवा के जीवन का अनिवार्य हिस्सा था उन स्मृतियों का वर्णन करें जो लेखक को अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों और उनकी रोटियों के बारे में याद है in olden days baking was considered an essential and profitable profession in a traditional goan village baking was the traditional family work in portuguese culture and was famous for preparing the loaves of bread marriage gifts were meaningless without the sweet bread known as bull पुराने दिनों में गोवा के पारंपरिक गांव में बेकिंग का एक आवश्यक और लाभदायक पेशा माना जाता था बेकिंग पुर्तगाली संस्कृति में पारंपरिक पारिवारिक काम था और रोटियां तैयार करने के लिए प्रसिद्ध था बुल के नाम से मशहूर मीठी रोटी के बिना विवाह उपहार निरार्थक थे लेडी ऑफ़ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स इंगेजमेंट केक्स एंड बुलिनेस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल देयर फॉर ब्रेड एंड केक्स वेयर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन ऑल्डन डेज घर की महिलाएं को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच अवश्य बनाना चाहिए केक और बुलियन क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्यौहारों के लिए भी ज़रूरी है इसलिए पुराने दिनों में ब्रेड और केक गोवा के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था एम सी क्यू इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वॉज नॉन एज बैंकर पैडर बुलिनस कबाई वॉट डिड द चिल्ड्रेन लाइक टू बाक ब्रेड बंगला हू वज आइडेंटिफाई एज ए फ्रेंड गाइड एंड कॉम्पेनियन इन द चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा बेकर स्वीट मेकर नेवर्स या मैच मेकर बेकर, द पुर्तगीज़ फेमस फॉर डांसिंग हाउसिंग डिजाइन ट्रेडिशनल ड्रेस प्रिपेयरिंग लॉब्स ऑफ ब्रेड वट प्रोड्यूस द ट्रेडिशनल बेकर साउंड? फ्लूट बेंजो विसेल या बैम्बू बैम्बू वाट आर द बेकरस नोन इन गोवा पार्कर पैडर बेकर या मैच मेकर इन द ओल्डन डेज द बेकरस इन गोवा वॉज नोन एज बेकर पैडर बुलिनेस कबाई पैडर How many times did the baker come every day? One day, twice a day, thrice a day, five times a day, twice a day. What was called Kawai? Baker's dress, baker's song, baker's bamboo, baker's basket, baker's dress. What are completion? What are compulsory prepared during Christmas in Goa? Bull, bulliness, lobs, bread and bungalows. Bulliness. Where where the monthly account of the baker recorded? In a copy with pencil, in a wall with pencil. ऑन ए वॉल विथ पेंसिल कुर्ग रिटेन बाय लोकेश अब रोल हाउ वज द ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेब ब्रेबरी बीन सेलिब्रेटेड इन कुर्ग एक्सप्लेन एंड गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट कुर्ग में साहस और बहादुरी की परंपरा कैसे मनाई जाती रही है पार्ट से समझाएं और उदाहरण दें द पीपुल ऑफ कुर्ग आर नॉन फॉर देयर फेस्ली इंडिपेंडेंट ब्रेव एंड करेज सो ए नंबर ऑफ टेल्स ऑफ वैल्यूर और कनेक्टेड विद द पीपुल ऑफ कुर्ग द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज कुर्गी द कुर्गी आर कुर्ग के लोग अपने बेहद स्वतंत्र बहादुर और साहसी लोग के लिए जाने जाते हैं तो कुर्ग के लोगों के साथ वीरता की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे सुशोभित रेजिमेंट में से एक है भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा कुर्गी थे कुर्गी हैं द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पावाज कुर्गी कुर्गी आर द ओनली पीपुल इन इंडिया हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विथाउट ए लाइसेंस कुर्गी भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा कुर्गी थे कुर्गी भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के अग्निशास्त्र ले जाने की अनुमति है एम सी क्यू कुर्ग्स आर डिसेंट्स ऑफ ग्रीक अरब्स हिंदूज बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड बी दिस बेस्ट सेंस टू विजिट कुर्गीज सितंबर टू मार्च अप्रैल टू जून जुलाई टू अगस्त अक्टूबर टू जनवरी सितंबर टू मार्च फ्रॉम विच रिवर टू कुर्स गेट वाटर कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती कावेरी हु जनरल करियप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर ए ग्रेट कॉफी प्लांटर ए ब्रिटिश ऑफिसर ए द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कुर्ग इज फेमस फॉर कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस ऑल ऑल ऑफ ऑफ द द देयर इज ए आइसलैंड ऑफ निसारदंग देयर इज ए आइसलैंड ऑफ निसार धम नियर कुर्ग विच कैन बी रीच थ्रू ए रोप ब्रिज सिक्सटी फोर आर्क फिफ्टी सिक्स आर्क फोर्टी सिक्स आर्क एट एट्टी फाइव आर्क सिक्सटी फोर आर्क व्हाट आर कुर्गी होम्स नॉन फोर देर हॉस्पिटिलिटी Their traditional cousins, their traditional dresses, all of the ever. Traditional hospitality. Who was the first chief of the Indian army? General Kariyappa, General Hariappa, General Jagjipa, General Kadiyappa, Kodiappa. General Kariyappa. इन स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड दिल्ली केरला कर्नाटक गुजरात कर्नाटका हाउ मच एरिया ऑफ टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट टी फ्रॉम आसाम रिटेन बाय अनूप कुमार द एक्सप्लेन द फॉल केटल बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द टी एक्सप्लेन चाय के डिस्कवरी के पीछे लोक कथा है व्याख्या करें द फॉल्टेल बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी इज अबाउट ए बुद्धिस्ट मॉन्क हु वॉज बिजी इन हिज मेडिटेशन एंड सडनली ही फील ए स्लीप एंड हिज Meditation broke as a result he became angry and cut his eyelids and throw at them on the earth. There appeared tea plants out of these eyelids. Then he pulled these leaves in hot water, boiled in hot these leaves in hot water and served it hot to the people which vanished there. ड्रॉसनेस एयरलीअल इट वॉज ड्रैंक एज ए चाय की खोज के पीछे की लोक कथा एक बुद्ध भिक्षु के बारे में है जो अपने ध्यान में व्यस्त थे और अचानक उन्हें नींद आ गई और उनका ध्यान टूट गया फलस्वरूप उसने क्रोधित होकर अपनी पलकें काटकर पृथ्वी पर फेंक दी इन पलकों से चाय के पौधे प्रगट हुए फिर उसने इन पत्तों को गर्म पानी में उबाला और गर्म गर्म लोगों को परोसा जिससे उनकी तन, तंद्र गायब हो गई पहले से पिया जाता था इट वॉज ड्रंक एज ए मेडिटेशन रेदर देन ए लो पहले से पेय पदार्थ के बजाय ध्यान के रूप में पिया जाता था एम सी क्यू How many tea plants grow out of the eyelids of Buddhist monk? 5 tea plants, 10 tea plants, 20 tea plants, 30 tea plants. 10 tea plants. Which plantation is popular in Assam? Tea plantation, coffee plantation, wheat plantation, cotton plantation. Tea plantation. एंड प्रांजल स्टडी असम कुर्ग गोवा दिल्ली दिल्ली व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड प्लस और अस्पॉटिंग पीरियड जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर मई जुलाई अगस्त नवंबर मे जुलाई वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग असम कुर्ग गोवा दिल्ली असम हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट्स द वर्ल्ड हंड्रेड करोड़ एट्टी थाउजेंड्स एट्टी करोड़ नाइंटी लैक एट्टी क्रूर वाज़ ट्रेवलिंग विथ हिज फ्रेंड ने राहुल ऋषि रणवीर राजवीर राजवीर प्रांजल प्रांजल वाज़ बिजी रीडिंग पोएम नॉवेल ट्रांसिव डिटेक्टिव बुक डिटेक्टिव बुक विच टी एस्टेट वॉज मैनेज बाय ब्रांजल्स फादर धकबरी टी एस्टेट धनबरी टी एस्टेट पकबरी टी एस्टेट नॉन ऑफ दीज धकबरी टी एस्टेट buddhist cut off his because it was creating disturbance during meditation ear eyelids hair thumbs eye lids